अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो यार ये वो क्रीम है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्क करेगी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कोई भी क्रीम मिक्स नहीं करनी, ये आप लोगों ने सिर्फ अकेले ही क्रीम यूज़ करनी है, ठीक है। इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप लोगों की स्किन पे एक्नी है या फिर कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह या कुछ भी है ना, तो ये वाली क्रीम आप यूज़ करेंगे। इतनी पुरानी क्रीम है ना और इतने इसके अच्छे रिजल्ट है ना कि जो लोग इसे यूज़ करते हैं ना वो आज भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से अब वाइटिश टोन में होती है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। और जनाब इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी ऑयली होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ना इसे नाइट में यूज़ करना है। और ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और ये बहुत आसानी से जो है ना वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है। और ये देखें ये ना थोड़ी सी ऑयली होती है, ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसे हर किस्म का बंदा यूज़ कर सकता है, हर टाइप की स्किन यूज़ कर सकती है, ठीक है। अगर आप लोग टीन एजर हैं फिर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग कोई 33-34 साल के हैं फिर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और जनाब इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्रीम है, लेकिन सिर्फ इसकी एहतियात ही होती है कि इसको लगा के आपने चूल्हे के आगे नहीं जाना होता, हीट में नहीं जाना होता, ठीक है जी। ये क्रीम है बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लोग चाहें तो इसमें आर्ची मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप लोग ना चाहें तो ना करें, इसे एज इट इज़ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके वैसे ही आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्रीम का नेम बता देती हूँ। ये देखें जी, ये स्टिलमेंस क्रीम है, स्टिलमेंस फेयरनेस क्रीम। तो ये बहुत पुरानी क्रीम है और बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। ये फेस पर आप लोग यूज़ करें, हैंड्स पर यूज़ करें, ये आप लोग फेस पर यूज़ करें, हैंड्स पर यूज़ करें, नेक पर यूज़ करें, जहाँ पर मर्ज़ी आप लोग यूज़ करें, ठीक है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो एहतियात मैंने आप लोगों को बताई है ना, सिर्फ आप लोगों ने उसका ख्याल रखना है। और ये देखें जी कुछ इस तरह से, और अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि ये यूज़ हुई भी है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ और ये मेरी स्किन केयर में ऐड है, ठीक है। क्योंकि इसका स्किन के ऊपर कोई वो जो है ना वो हार्श इफेक्ट नहीं आता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और ये इसने मेरी एक्नी को बहुत ज़्यादा क्योर किया है, और जनाब इसने जो निशान थोड़े बहुत थे ना वो भी बहुत जल्दी ये ख़त्म करती है क्रीम, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करें, बहुत बेस्ट क्रीम है फॉर योर एक्नी, फॉर योर स्कार्स, फॉर योर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, सनबर्न, सन टैन, सब चीज़ों के लिए ये स्टिलमेंस क्रीम बहुत अच्छी है। ये स्टिलमेंस क्रीम इतनी पुरानी है ना, पहले ना इसका जार जो है ना वो पत्थर का होता था, और अब जो है ना वो इसका चार्ज जो है वो प्लास्टिक का कर दिया इन्होंने। लग देना भी पता चल गया मुल्क की बड़ी महंगाई होगी, इन्होंने अपना चार बदल दिया। तो खैर इसके रिजल्ट ना अभी भी वैसे ही हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें आर्ची मिक्स कर लें, अदरवाइज आप लोग इसे एज इट इज़ यूज़ करें, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको नाइट क्रीम के, ठीक है जी। तो ये उन लोगों के लिए जो मेरे से पूछ रहे थे कि कोई अच्छी सी नाइट क्रीम बता दें, तो ये देखें जी आज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी नाइट क्रीम बताई है। और इसके प्राइस ना 400, अराउंड 400 होंगे, ठीक है। तो ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और बहुत अच्छी क्रीम है। तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और जनाब आप लोग इसे पहले पैच टेस्ट कर लें अपने कान के पीछे लगा के, अगर आप लोगों को सूट करे तो आप लोग फिर लगा लें, और अगर ना करे तो फिर आप किसी को दे दें। इसकी ना क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, ऊपर तक होती है, तो बहुत बेस्ट है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।